स्वागत करती हूं आपका M4E न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अंशु शर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। जनपद मुजफ्फरनगर में पूर्व समाजवादी जिला अध्यक्ष श्यामलाल उर्फ बच्ची सैनी के आवास पर पूर्व उत्तर प्रदेश राज्य मंत्री एवं पूर्व विधायक हसनापुर प्रभु दयाल बाल्मीकि ने हाथरस कांड मनीषा बाल्मीकि की हत्या को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस साझा करते हुए प्रदेश की जनता के साथ अपने विचार रखे। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी जिला मुजफ्फरनगर के पूर्व जिला अध्यक्ष श्यामलाल उर्फ बच्ची सैनी, पूर्व राज्य मंत्री, पूर्व विधायक प्रभु दयाल वाल्मीकि, शिक्षक संघ से चौधरी नरेश पाल जी, उत्तर प्रदेश के महामंत्री सुभाष चावरिया जी, महिपाल वाल्मीकि जी ने श्यामलाल उर्फ बच्ची सैनी के आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मनीषा बाल्मीकि हत्याकांड को लेकर साझा की और उत्तर प्रदेश सरकार से आग्रह किया किसी भी बहन बेटी के साथ मनीषा बाल्मीकि जैसी घटना न हो। आज प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और देश में भी भाजपा की सरकार है और जहाँ इन लोगों का ये कहना है भाजपा की सरकार के लोगों का कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन आज इस उत्तर प्रदेश के अंदर दलित मजदूर बेटी की नरसंहार हत्या की जा रही है, दरिंदगी की जा रही है, इसकी हम लोग बहुत भर्त्सना करते हैं। तमाम सफाई मजदूरों में इसको लेकर बहुत ही रोष व्याप्त है क्योंकि इन्होंने हिंदू संस्कृति को भी तार तार किया है। रात के 2:30 बजे उस बेटी की का अंतिम संस्कार किया है। जिस हिंदू रीति रिवाज में रात को कभी अंतिम संस्कार नहीं होता, लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी की हिंदू की सरकार कहने वाली, हिंदू संस्कृति की सरकार करने वाली, इन्होंने हिंदू संस्कार को भी तार तार करने का काम किया है, हिंदू रीति रिवाज को भी तार तार कर दिया है और रात के अंधेरे में उस बेटी का, उसकी माँ को भी उसका चेहरा नहीं दिखाया अंतिम चेहरा, ना ही उसके बाप को उसका चेहरा दिखाया, ना भाई को चेहरा दिखाया। इन्होंने सीधे ही रात के 2:30 बजे अंधेरे में उसके पेट्रोल डालकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। इसके तमाम उत्तर प्रदेश का सफाई मजदूर बहुत प्रशंसा करता है। आज मेरे साथ बैठे हैं चौधरी नरेश पाल जी, भाई श्यामलाल बच्ची जी, हमारे उत्तर प्रदेश के महामंत्री भाई सुभाष चावरिया जी मेरे साथ हैं, भाई महिपाल वाल्मीकि जी मेरे साथ हैं। हम तमाम लोग इस भारतीय जनता पार्टी को निंदा करते हैं और हम सरकार से ये भी मांग करते हैं कि उसके परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई जाए, आवास मुहैया कराया जाए और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जजों द्वारा एक कमेटी का गठन हो और वो कमेटी इसकी सच्चाई की जांच करे, उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद भी दी जाए और भविष्य में इस हिंदुओं कहलाने वाली सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को हम कहना चाहते हैं कि बेटियों की सुरक्षा करे। आए दिन बेटियों के साथ बड़ी जिंदगी हो रही है, बेटी बेटी होती है चाहे वो किसी भी जाति धर्म की हो, लेकिन बेटी बेटी होती है, इसलिए बेटियों की सुरक्षा करने का ये उत्तर प्रदेश सरकार को करना चाहिए, हमारी ये भी उत्तर प्रदेश सरकार से मांग। आज पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश के अंदर वाल्मीकि समाज बहन मनीषा के हत्याकांड को लेकर सड़कों पर उतरा हुआ है, लेकिन ये जो हत्याकांड के लिए जो पूरा वाल्मीकि समाज सड़कों पर आज धरना प्रदर्शन कर रहा है वो तो किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, वो केवल उन लोगों के लिए है जिन्होंने बहन मनीषा जी की हत्या की है, उसके साथ दंदगी की है, उसके लिए पूरा वाल्मीकि समाज ने नहीं, पूरी देश की पार्टियां सड़कों पर है और केवल उसके लिए है जिन्होंने दंदगी करने का काम किया है, उसे सजा दिलाने के लिए ही आज पूरा समाज सड़कों पर है और जब तक उन लोगों को सजा नहीं दी जाएगी पूरा समाज सड़कों पर ही रहेगा। और जहाँ तक बात है शासन प्रशासन की, तो कहीं ना कहीं इसमें योगी सरकार को भी बदनाम करने का काम वहाँ के DM ने किया है, वहाँ के SSP ने किया है। अगर वो सही समय पे स्टेप ले होते तो आज शायद इतना देश के अंदर, प्रदेश के अंदर उबाल ना होता। तो मेरा निवेदन है माननीय योगी सरकार से कि वो आदरणीय DM साहब जिन्होंने इसमें गलत रिपोर्ट देने का काम उत्तर प्रदेश सरकार को करा, SSP साहब, तमाम ऐसे लोग जिन्होंने इसमें लापरवाही बरतने का काम किया है उन्हें बर्खास्त करने का काम करें और जो वह मनीषा है उनको न्याय दिलाने का काम आदरणीय योगी जी करें। अपने आसपास की लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल M4E न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल का आइकन दबाएं जिससे आपको सभी न्यूज समय से प्राप्त होती रहें। आप अपने सुझाव हमें कमेंट कर बता सकते हैं।